हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस में जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉइंट नंबर 2 में वेलकम करती हूँ आप लोगों का। तो हम लोग कर रहे थे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं और इसकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की रेगुलर सीरीज चलाई जा रही है, तो आज मैं पॉइंट नंबर 2 इसका करवा के ये ख़त्म कर दूंगी टॉपिक, फिर हम पॉइंट नंबर 3 इसका करेंगे, प्लस GS3 भी जल्दी लेकर आऊँगी, काफ़ी दिन से उसका काम भी पेंडिंग चल रहा है। और जिनको PDF नहीं मिल रहा है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैंने सक्सेस मंच टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच फेसबुक पेज दोनों पे इसका PDF, जो इसका पार्ट 1 का PDF था, पार्ट 2 तो आज कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी अपलोड कर दूंगी, पार्ट 1 का PDF अपलोड कर दिया है तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं दोनों का मर्ज करके भी एक बार वापस से अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, केंद्र वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। जो हमारा टॉपिक रह गया था वित्त आयोग के बारे में, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे और दोनों के बीच संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो व्यूवर्स जो पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं आपको लोगों को बता दूं कि GS 1, 2, 3, 4 का टॉपिक यहाँ चलाया जा रहा है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें, मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहता है हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ये टॉपिक था हमारा रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट एंड फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। लास्ट जो हमने क्लासेस में देखा था, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध बात एक ही है, तो क्या होता है इसके बारे में देखा था, कौन से आर्टिकल में कहा गया है। केंद्र राज्य संबंध 3 टाइप से होते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने वित्तीय संबंध, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें वित्तीय संबंधों को ही मेंशन किया हुआ है, प्रशासनिक और विधायी संबंध नहीं करना है, तो हम सिर्फ ये वाला टॉपिक करेंगे, तो हमने ये अच्छे से देखा था। नेक्स्ट फिर हमने देखा था वित्तीय संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 268 से 293 वित्तीय संबंधों को परिभाषित करते हैं, तो क्या क्या उसमें दिया गया था संबंधों में। फिर हमने आपातकाल के बारे में देखा था, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे वित्त आयोग के बारे में, पहले हम देखेंगे वित्त आयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, उसके बाद दोनों को इंटररिलेट करके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वित्त आयोग का देख लेते हैं। तो वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280, ये आप याद रखेंगे, 280 आर्टिकल्स में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। इस प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए बनाया जाने वाला आयोग है ये वित्त आयोग, और ये केंद्र सरकार की कुल कर संग्रह में राज्य सरकारों के हिस्सेदारी के बारे में निर्णय लेता है। मतलब कि केंद्र जितना भी कुल कर का संग्रह करती है, तो पर्टिकुलर क्योंकि 29 राज्य स्टेट हैं, तो किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, सबको इक्वल तो मिल नहीं सकता, क्योंकि किसी का कुछ एरिया ज़्यादा है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी में संसाधनों की कमी या ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी का निर्णय करना होता है कि कौन सा राज्य कितना हिस्सा कर का लेगा, तो ये वित्त आयोग करता है। वर्तमान में जो चल रहा है वो 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है इस समय, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं RBI के भूतपूर्व गवर्नर श्री YB रेड्डी, जिनकी ये पिक्चर हैं, आप लोग परिचित होंगे इनसे। 14वें वित्त आयोग की अवधि जो है वो 2015 से 2020 तक की है, और इस वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को 42% हिस्सेदारी दिए जाने की सिफारिश की है। मतलब इनने कहा है कि जितना भी कर संग्रह करेगा केंद्र सरकार, उसमें से 42% वो राज्यों को दे देगा, बाकी जो बचेगा वो हिस्सा वो अपने पास अपना संग्रह के लिए रखेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों की, कि तो वित्त आयोग क्या क्या मेन कार्य करता है जिसके लिए इसका गठन किया गया था। तो सबसे पहला है ये केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों से होने वाली शुद्ध आमदनी का वितरण
और राज्यों को ऐसी आमदनी वितरित करना। इसका मतलब यह है केंद्र और राज्य जो भी कर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि राज्य कुछ अलग कर इकट्ठा करता है जो राज्य सूची में दिए गए हैं, और केंद्र सरकार कुछ अलग कर इकट्ठा करती है जो कि केंद्र की संघ सूची में दिया गया है, और भी बहुत सारे कर हैं जिनको इन लोगों में आपस में डिवाइड किया गया। तो इसका वितरण करना, कैसे किसको कितना दिया जाएगा, इसके बारे में सारा डिसीजन जो है वो वित्त आयोग लेता है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान के भुगतान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत बनाना। मतलब कि केंद्र जो है वो राज्यों को कुछ अनुदान भी देता है अपनी तरफ से, जैसे कुछ गरीब राज्यों को, जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ प्रदेश है उसके लिए अनुदान दिया जाता है, उड़ीसा जैसे राज्यों को अनुदान दिया जाता है, कहीं अगर किसी राज्य में बाढ़ आ गई तो कुछ अनुदान दिया जाता है। तो ये सब जो होता है इसको वित्त आयोग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे नियंत्रण करना है, कैसे उसके सिद्धांत बनाने, ये सब वित्त आयोग बताता है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित कोई अन्य मामला। इसके अलावा जो ऊपर दिए गए हैं दो टॉपिक, इसके अलावा भी अगर कोई और संबंध होता है केंद्र और राज्यों के बीच, कोई और वित्त से संबंधित मामले होते हैं, वित्त से, न विधायी न प्रशासनिक, ओनली वित्त से, तो पैसों से रिलेटेड मतलब, तो वो यहाँ पर सुलझाता है वित्त आयोग। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर्स एग्जाम में। तो वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे, मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ के रूप में लिखा है, अब आप इसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करके मैं आगे बताऊंगी आप कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर राइटिंग 2 से 3 पेज में करेंगे इसकी। राजकोषीय संघवाद का मतलब ये होता है कि संघवाद तो आपको पता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, पर्टिकुलर जो 29 स्टेट्स हैं वो पूरे एक मिलकर भारत संघ का निर्माण करते हैं। अब राजकोषीय संघवाद, क्योंकि वित्त के मामले में भी ये संघ कैसे है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो वित्त आयोग कैसे करता है, तो संविधान में परिकल्पित संघीय ढांचे के तहत ज़्यादातर जो कराधान की शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास होती हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और संघ सूची की शक्तियाँ केंद्र के पास है कराधान की, और अगर कोई ऐसा मामला आता है जो राज्य केंद्र में डिस्प्यूट का होता है तो भी वो शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। लेकिन जो थोक खर्चे हैं वो राज्यों द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि अब जो भारत एक राज्य, पूरा एक संघ है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर वो राज्यों से मिलके बना हुआ है ना, तो राज्यों में शिक्षा, अलग पर्टिकुलर राज्य शिक्षा का खर्च हो गया, स्वास्थ्य का खर्च हो गया, रक्षा का खर्च हो गया, तो ये सब जो खर्चे हैं ये राज्य द्वारा किए जाते हैं। ऐसी संघीय संरचना में केंद्र जो आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में लगाता और वसूलता है, से संसाधनों के राज्यों को हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब कि जैसे जो केंद्र सरकार लगाता है, आयकर लगाता है, उत्पाद शुल्क लगाता है, सीमा शुल्क लगाता है, ऐसे अप्रत्यक्ष कर लगाता है और वसूली करता है उसकी, तो ये जो संसाधन होते हैं इसे राज्यों को भी केंद्र को देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे देता है ये वित्त आयोग डिसाइड करता है। इसलिए राज्य की आबादी, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से आप लोग इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ये मैंने पैराग्राफ में दे दिया है, इसको आप अपने शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। राज्य की आबादी, राज्य की राजकोषीय स्थिति, कितना गरीब है, कितना अमीर राज्य है वो, राज्य का वन क्षेत्र, कितना वन क्षेत्र है, कितना कृषि क्षेत्र है, कितना उद्योग का क्षेत्र है, ये सब चीज़ें। आमदनी का अंतर, मतलब कि पर्टिकुलर एक राज्य में कितनी आमदनी है, दूसरे राज्य में कितनी आमदनी है, और क्षेत्रफल के आधार पर, कोई बड़ा राज्य होता है, कोई छोटा राज्य होता है, इनके बीच, राज्यों के बीच संसाधनों का उचित आवंटन आवश्यक होता है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं, जिसके द्वारा संसाधनों का जो आवंटन होता है वो किया जाता है। इस प्रकार के उचित आवंटन द्वारा वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच टकराव होने से रोकता है। अब मतलब अगर के बीच में एक मीडिएटर का काम नहीं करेगा तो जो पर्टिकुलर राज्य हैं वो केंद्र से कहेंगे हमें इतनी चीज़ें चाहिए, और केंद्र कहेगा नहीं भैया सब लोग हैं देने के लिए, 29 स्टेट्स हैं, मुझे तो सबको देना है ना। तो बीच में जो बीच बचाव का कार्य करता है, और वो किस बेसिस पे करता है, तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे, आबादी और राजकोषीय स्थिति, इस बेस पे वो डिस्प्यूट को रोकने का काम करता है और बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर राज्य को इतने वित्त देने की आवश्यकता है। तो ये है वित्त आयोग का काम। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य इस संघवाद को कैसे बनाए रखता है, राजकोषीय संघवाद को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
अब नेक्स्ट देखेंगे आयोग की अनुशंसाओं की शक्ति, मतलब कि आयोग जो अनुशंसाएं करता है, जो बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर राज्य को इतना वित्त देना है, तो वो उसकी शक्ति क्या है, उसकी पावर है या नहीं, या बस बस अपने सजेशन ही देता है सिर्फ, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग सरकार पर वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बाध्यकारी नहीं बनाता, मतलब संविधान कहता है कि अगर वित्त आयोग कोई सिफारिश देता है तो सरकार ज़रूरी नहीं है कि वो अनुशंसाएं उसकी मान ही ले, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी सरकार, तो यहाँ बाध्यकारी शक्ति नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। हालांकि सरकार जहाँ तक राजस्व साझा किए जाने का प्रश्न है, आमतौर पर आयोग की अनुशंसा मान लेती है, मतलब आज तक जब से संविधान चला आ रहा है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से ऐसी बहुत ही कम रेयर केस हुआ है कि जहाँ पर वित्त आयोग की अनुशंसा नहीं मानी गई है, हमेशा ऑलमोस्ट उसकी अनुशंसा मान ली जाती है। केंद्रीय करों और शुल्कों और अनुदानों के वितरण से संबंधित ये अनुशंसाएं समांतर राष्ट्रपति के आदेश से लागू होती हैं। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे, जो भी अनुशंसाएं होती है वो पहले राष्ट्रपति कहता है कि हाँ ठीक है, तो वो ठीक कही जाती हैं, वो दे दी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। अब मेन ये पॉइंट है कि 14वें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं, जो 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 के बनाया गया है, तो उन्हें मेन रिकमेंडेशन क्या क्या की हैं, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे, बहुत अच्छे इसे याद रखेंगे और एग्जाम में लिखेंगे भी। पहला है केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को वर्तमान 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। पहले राज्यों को 32% हिस्सा दिया जाता था, ओवरऑल अगर 100% कर इकट्ठा होता था, लेकिन अब उसे 42% हिस्सा दिया जाएगा राज्यों को। 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को कम कर GDP के 3% तक लाना और 2019-20 तक राजस्व घाटे को शून्य करना, ये इसका लक्ष्य है। बजट प्रस्ताव के राजकोषीय नीति क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करना, ये 14वें वित्त आयोग का लक्ष्य है। नेक्स्ट, मौजूदा FRBM अधिनियम के स्थान पर ऋण सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व का कानून लाना, ये इसका एक रिकमेंडेशन है। कर हस्तांतरण उद्देश्यों के लिए विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच मतभेद को समाप्त करना, लेकिन राजस्व के घाटे वाले 11 राज्यों को अनुदान देना, मतलब कि 11 राज्य ऐसे हैं जिसमें राजस्व का घाटा हो रहा है, तो उनको अनुदान देना, लेकिन हाँ विशेष राज्य और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच जो भी डिस्प्यूट चलता है, मतभेद चलते हैं, उसको समाप्त करना इनका उद्देश्य है। राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में नियोजित और गैर नियोजित भेदभाव को दूर करना। नेक्स्ट है, GST के लागू होने के बाद यदि राजस्व में घाटा होता है तो 3 वर्षों तक राज्यों को पूर्ण 100% क्षतिपूर्ति करना, मतलब कि अगर राज्यों को GST अगर लागू करें, क्योंकि आप लोगों को पता है GST लागू हुआ 2014 से, इसके बाद से अगर घाटा होता है उसके बाद, तो 3 वर्षों तक राज्यों को जो भी घाटा होगा उसको प्रतिपूर्ति करना, ये इसका वित्त आयोग का अनुशंसा है, रिकमेंडेशन है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है ये पूरा जो राज्य और केंद्र वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, ये पूरा हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है पॉइंट नंबर 3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा पूरा कोर्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियोस को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो की रिकमेंडेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।